हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में आपने जाना था कि फ़ोटो पर नाम और डेट कैसे डालें। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो आपकी फ़ोटो रहती है उस फोटो पर आप बॉर्डर कैसे लगाएंगे, किस कलर में डालेंगे और कितना पिक्सल डालेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, जो कि आपको पता ही है किस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वह फ़ोटो लेनी है जिस पर आपको बॉर्डर लगाना है। चलिए हम पिछली क्लास की ही एक फ़ोटो ले लेते हैं, जिस पर हमने पिछली क्लास में नेम और डेट डालना बताया था। आपको फाइल पर जाकर ओपन कर लेना है और जो भी आपकी फ़ोटो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको नेम और डेट बताया था, अब इस क्लास में आपका जो है इस पर बॉर्डर डालना बताएंगे। तो चलिए, जैसे ही आप प्रिंट करते हैं, नया पेज लेते हैं प्रिंट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर लेना है और जो भी आप पेज लेना चाहते हैं वो ले लें। पेज लेने के बाद आपको इसे मूव कर लेना है, इस मूव टूल का उपयोग करना है। मूव टूल के द्वारा आप क्या करना है, इसको यहाँ आ जाना है। तो दोस्तों, आपका जो फोटो है वो यहाँ इधर आ जाएगा। अब इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और नीचे देखना है आपको स्ट्रोक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर जो बॉर्डर है उसकी साइज दे रखी है कि आपका जो बॉर्डर है कितना बड़ा होना चाहिए, और इधर कलर है कि आपको किस कलर में बॉर्डर देना है। चलिए, जैसे सिंपली सभी ब्लैक कलर में देते हैं तो यहाँ पर हम ब्लैक यूज कर लेते हैं और ओके पर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस फोटो के ऊपर चारों तरफ बॉर्डर आ चुका है। दोस्तों, अगर आप इससे और ज़्यादा बड़ा बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप फिर से वही ऑप्शन चुनना है, स्ट्रोक पर जाना है और यहाँ पर जो साइज है वो कम बढ़ कर लें। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं कि रेड की जगह ब्लैक, तो आप यहां से कलर चेंज कर लें, सॉरी ब्लैक की जगह रेड। इस प्रकार से आपका जो बॉर्डर है वो चेंज होगा जाएगा और आप इसे किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आपकी जो अगली क्लासेस है उसमें हम आपको पासवर्ड साइज बताएंगे कि आप किस साइज में आपको पासवर्ड फ़ोटो बनानी है और क्या साइज डाल लेनी है, क्या पिक्सल रहेगा, कितना सेंटीमीटर रहेगा, ये जानकारी आपको अगली क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। और यह क्लास आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार की जानकारियों को सीख सकें और वो भी फोटोशॉप यूज करना जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।